पठान के हिट होने से पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री ने वो दौर देखा है जो पहले कभी नहीं देखा था। हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड का दौर। इस बॉयकॉट की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री को बेहद नुकसान हुआ। मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए जाने वाले एक्टर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा तो अपनी लागत तक नहीं निकाल पाई। इसके अलावा अक्षय कुमार की रक्षाबंधन, राम सेतु, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी लाइगर जैसी फिल्मों का तो पब्लिक ने सरेआम बहिष्कार किया। बड़े बड़े सितारे जैसे कि सुनील शेट्टी तो सामने आकर मंत्रियों से निवेदन करने लगे कि वो लोगों को समझाएं कि बॉलीवुड बुरा नहीं है। लेकिन बॉलीवुड के दिल की धड़कन माने जाने वाले सलमान खान ने लगता है बॉलीवुड का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है। बॉलीवुड फिल्म्स को हिट करवाने के लिए सलमान वो सब कर रहे हैं जो भाईजान ने पहले कभी नहीं किया था। सबसे पहले तो फ्लॉप हो रही बॉलीवुड फिल्म्स को हिट करवाने के लिए सलमान खान ने साउथ इंडस्ट्री का सहारा लिया। न केवल सलमान ने तेलुगु फिल्म गॉडफादर में डेब्यू किया, बल्कि इसके साथ साथ सलमान खान ने खुद चिरंजीवी समेत कई साउथ स्टार्स को बॉलीवुड में आकर काम करने का न्योता दिया। इसके बाद भाईजान ने टीवी की ऑडियंस को लुभाने की कोशिश की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में शहनाज राघव पलक तिवारी को लिया। बिग बॉस विनर गौतम गुलाटी को भी फिल्म राधे में सलमान ने काम दिया। और सिर्फ साउथ इंडस्ट्री और टीवी ही नहीं, भाईजान बॉलीवुड सितारों का भी सहारा बन गए। पहले सलमान शाहरुख की सुपरहिट फिल्म पठान में नजर आए और अब अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी के प्रमोशन के लिए सलमान खान कर रहे हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पर डांस। जी हाँ, वो सुपरस्टार जो कभी अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए नहीं नाचा, आज अपने को एक्टर की फिल्म प्रमोट करने के लिए रील बना रहा है। बॉलीवुड की मदद करने के लिए नाचते हुए रील्स बनाने को भी मजबूर हो गए सलमान। वेल, वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तिनके का तो पता नहीं, लेकिन डूबते हुए बॉलीवुड को भाईजान का सहारा जरूर मिल गया है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।